कर रहे हो ये? मैं इधर देखो, सबको हेलो कर दो। आज आपने भी और मम्मा ने भी सेम सेम कलर पहना है। सेम सेम कलर पहना है मम्मा ने। तन्मय ने, तन्मय की छुट्टी है ना सैटरडे की। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो हम लोग तैयार हो चुके हैं और मैं जा रही हूँ हनुमान मंदिर और लाइनर लगाया। तो जब मैं लाइनर लगा रही थी तो ये क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे, मंदिर में जा रहे हैं, सोचो सवरो मत है, मतलब चिढ़ रहे हैं। साफ साफ नहीं बोल रहे कि भाई मतलब सुंदर मत बनो, ऐसे ही चलो, है ना, साफ साफ नहीं बोलते, घुमाओ फिरा के बोलते हैं। हाँ, टी शर्ट ठीक। तो हम लोग हनुमान मंदिर जा रहे हैं क्योंकि भाई साहब और वहाँ पे प्रसाद, जो हलवे का प्रसाद होता है वो वहाँ पे क्या बोलेंगे उसको, प्रसाद बांट रहे हैं। तो जो भाई साहब हो रहे हैं वो वहाँ पे शनिधामनी हनुमान मंदिर, तो भाई साहब और वहाँ पे हलवे का प्रसाद बांटेंगे, तो उनके साथ जा रहे हैं हम लोग। तो बस निकलते हैं, बाइक से जाएंगे क्योंकि मैं, विपिन और तन्मय ही है। गुड्डू स्कूल है, तन्मय की छुट्टी है, सैटरडे है। तो तन्मय परसों, तो चलिए आप लोगों को भी कराती हूँ हनुमान मंदिर के दर्शन। बहुत दिनों बाद जा रही हूँ मैं। कुछ चाहिए तो नहीं अंदर से? जो प्रतिमा आप देख रहे हैं नीचे हनुमान जी की, ये प्रतिमा तब से है जब से मंदिर, या ये कह सकते हैं कि ये मंदिर इसलिए बना क्योंकि ये प्रतिमा इस पेड़ से अपने आप निकली थी। और ये पेड़ कम से कम 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। तो ये मंदिर इसीलिए यहाँ पे जो है बना है क्योंकि यहाँ पे प्रतिमा निकली थी। तो फिर ऐसा होता है कि जहाँ पे कोई इस तरह से अपने आप प्रतिमा प्रकट हो जाती है तो वहाँ मंदिर बना दिया जाता है उस जगह पर। तो फिर ये मंदिर धीरे धीरे धीरे, पहले इतना बड़ा तो नहीं था लेकिन अब धीरे धीरे काफ़ी बड़ा मंदिर है, काफ़ी साफ़ सफाई है। तो चलिए बाहर की तरफ चलते हैं। मैंने दर्शन पहले ही कर लिए थे और अब मैंने आप लोगों को दर्शन करा दिए हैं। तो अब यहाँ पे एक एक करके लोगों को रोक के उनको प्रसाद दिया जा रहा है। हलवे का प्रसाद है जो घर से बनाकर ही लाए हैं। और ये छोटू है, सब मतलब हमारे जानते हुए हैं, जो दो चार लोग आए हैं, मतलब हम कम से कम 15-20 लोग आए होंगे, सारी फैमिली वाले हैं, ताऊ चाचा और जो भी हैं इनके, मेरे तो वो सास ससुर लगते हैं। तो ये ताऊ जी हैं मेरे, ताऊ ससुर जो कुर्ता पजामा में हैं, ये बाला भाभी हैं, और इधर भाई साहब खड़े हैं दोनों, ये जो वाइट शर्ट में है ये बाला भाभी के हस्बैंड हैं, वो मीनू भाभी के हस्बैंड हैं जो हलवा डाल रहे हैं डोने में, और वो लक्की खड़ा हुआ है, और ताऊ जी प्रसाद दे रहे हैं सबको। उधर भाभी और तन्मय खड़े हुए हैं, तन्मय की छुट्टी थी तो उसका तो होना ही था आज, गुड्डू स्कूल गई हुई है। और विपिन भी खड़े हुए हैं यहाँ पे, मेरी चाची सास भी आ चुकी हैं, और जो चाची सास के बड़े बेटे हैं सन्नी, मतलब मेरा देवर हैं जो, वो भी आ गए हैं। तो हम सारे फैमिली मेंबर्स ही आए हैं और प्रसाद हो चुका है ख़त्म, अब हम लोग जाएंगे घर पे।
और घर आते ही मुझे एक सरप्राइज मिला, मतलब तुरंत नहीं मिला, मैं घर आई, मैं वीडियो की एडिटिंग वगैरह कर रही थी और तभी मैंने देखा कि मेरे सब्सक्राइबर जो है उन्होंने मेरा घर ढूंढ लिया, मुझे ढूंढ लिया, वो घर तक आ गई। तो ये हैं वो, बहुत ही प्यारी हैं जो ये बैठी हुई हैं इधर। हाँ ये, और ये इनके बेटे हैं, और इनके साथ इनकी छोटी सी भतीजी भी आई थी। ये हैं तन्मय, गुड्डू, और इन्होंने बहुत मस्ती की, खूब खेले ये तीनों। लग ही नहीं रहा था कि हम इन लोगों से पहली बार मिले हैं। मुझे लगता है कि शायद उन लोगों को भी ऐसा ही लगा हो, काफ़ी अच्छे लोग हैं, अपनापन होता है कुछ लोगों में, तो वही था। तो मैं चाय बना रही हूँ, एक बार चाय हो चुकी है तो मैं दूसरी बार जो है चाय बना रही हूँ। और अगर मुझे पहले से पता होता कि वो लोग आ रहे हैं, उन लोगों ने मुझे सरप्राइज़ दिया है, वरना मैं कुछ ना कुछ तैयारी करके रखती अपने हाथों से। मैं, मुझे मौका मिला था किसी को बनाकर खिलाने का, तो मैं खिलाती, लेकिन मुझे पता ही नहीं था एकदम से वो लोग आए। मेरे ख्याल से टाइम 4:15 हो रहा, और ये वो गिफ्ट्स हैं वो मेरे लिए लाए हैं जो, और ये इनकी भैया हैं जो वो आई हैं मुझसे मिलने, उनका नाम मधु है, और ये उनकी मम्मी हैं। उनकी मम्मी भी बहुत प्यारी थी, उनके भैया भी बहुत प्यारे थे, मतलब सारे लोग इतने अच्छे थे, लगा ही नहीं उन लोगों से मिलके कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। और मैंने भाभी को भी बुला लिया था, तो भाभी भी आ गई हैं। हम सब मिलके बातें कर रहे थे, और उस वक्त टाइम ही नहीं लगा कि मैं आप लोगों से बात कर पाती, आप समझ सकते हैं फर्स्ट टाइम होता है। तो मैं और उनके बेटे हैं ये। तो अभी मेरे घर पर जिन्होंने मुझे वीडियो के जरिए जाना है, पहचाना है, वो अभी मेरे घर आई थी अपनी मम्मी के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बेटे के साथ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। भाभी भी यहीं बैठी हुई हैं, और उनसे मिलके मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि कोई बाहर का है, और शायद उनको भी ऐसा ही लगा हो मुझसे मिलके। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। जिस वक्त वो लोग आए थे, टाइम तो मैंने नहीं देखा क्या टाइम हो रहा था, लेकिन 4 या 3:30 बजे का टाइम होगा, और मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी और वो लोग आए। जब मैंने दरवाजे पे देखा, ओ माय गॉड, तो जब उन्होंने बोला, मैं समझ गई थी, क्योंकि मुझे वो लगा था कि किसी ने कमेंट कर रखा था कि रश्मि हम आपको सरप्राइज देंगे, तो मुझे लगा कि ये वही हैं और इन्होंने मुझे सरप्राइज दे दिया, लेकिन वो वही नहीं थी। वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मिठाई का डब्बा, फ्रूट, इतना अजीब लगा, मैंने कहा आप इतना सब कुछ क्यों लाए, और उसी चीज से इतनी खुशी हुई कि वो लोग मेरे घर आए, और बहुत अच्छा लगा मुझे। भाभी भी थी तब, है ना भाभी, अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, सबको बहुत अच्छे लगे। और कार्तिक यहीं बैठा हुआ है, लेकिन आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ कि वो मेरे लिए क्या लेकर आए हैं। ये मायने नहीं रखता कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। आज के बाउल हैं, और 3 का सेट है ये, एक ये है छोटा, और फिर ये है, और फिर ये है, बहुत प्यारा गिफ्ट है। मैं बना रही हूँ दाल चावल, और मैं सब्जी भी बनाती एक, लेकिन टाइम नहीं है, 8 बजे मैं खाना बनाने लगी हूँ। हम चले गए थे, मैं और भाभी अपनी जेठानी के घर पे, और फिर जब हम कहीं जाते हैं, बैठ जाते हैं, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता, तो इसलिए मैं फटाफट अब पीली दाल और चावल, और तन में दिन से ही दाल चावल बोल रहा था, दाल चावल बनाओ, पीली दाल उसको बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। उसको मोटी दालें नहीं पसंद होती, उसको सिर्फ पीली वाली ही ज़्यादा पसंद है, या फिर वो काली मसूर की भी खा लेता है। तो मैं सिर्फ अभी दाल को उबालते वक्त हल्दी, नमक और 1 चम्मच के करीब इसमें तेल डाल दूंगी। कई बार क्या होता है कि तेल डालने से अगर आपके कुकर से पानी बाहर निकलता है, तो वो नहीं निकलता है, मेरे दूसरे कुकर में ये प्रॉब्लम है, तो जब मैं तेल डाल देती हूँ तो फिर वो ठीक रहता है, उससे पानी नहीं आता है। तो तड़का लगा रही हूँ मैं दाल को, तेल रख दिया है गर्म होने के लिए, और अब मैंने इसमें तेल गर्म होने के बाद डाल दिया है हींग और जीरा, और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी प्याज, और जब प्याज हो जाएंगे तब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। तो प्याज हो चुके हैं, और टमाटर में अब मैं सूखे मसाले डालूंगी, धनिया पाउडर, हल्का सा जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और किचन किंग मसाला मैं नहीं डालूंगी, वो मैं किसी किसी सब्जी या दाल में डालती हूँ, हर सब्जी दाल में नहीं डालती हूँ। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है मैंने, क्योंकि धनिया देखा तो ख़त्म था, तो इसलिए मैंने कहा चलो कसूरी मेथी डाल देते हैं। तो दाल बन चुकी है, और चावल भी मैंने दूसरे गैस पे बना दिए हैं। क्या हुआ, वहाँ चक्कर कहाँ से चक्कर मार गया यार बाइक का, बताओ जल्दी मम्मा को। क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई, ये बताओ मम्मा को, हम कहाँ तक घूम के आए बताओ।
देखो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना। चलो आओ अंदर बाइक अंदर करो क्या, पहले आप आओ। तो अभी 10 बज रहे हैं, बर्तन वगैरह किए हैं मैंने और खाना पीना सब हो चुका है। दाल चावल बनाए थे, दाल चावल बने थे इन जिद पर, लेकिन इन्होंने नहीं खाए क्योंकि आज खाना थोड़ा सा लेट बना, और लेट भी नहीं था, 9 बजे बनना, कोई लेट नहीं होता, 9 बजे तक बन गया था। रोजाना 8:30 तक मैं बना देती हूँ क्योंकि मुझे रहता है कि बच्चे थके हुए हैं स्कूल से तो सो ना जाए, तो दोनों को मैं खिला दूं उससे पहले। लेकिन क्या हुआ कि तन्मय आज दिन में नहीं सोया था, तो आज वो अब सो गया जल्दी। उसके बाद मैंने बहुत उठाने की कोशिश की, उस उठाने के चक्कर में ये हुआ कि तन्मय चिढ़ गया, क्योंकि बच्चे को अगर कच्ची नींद में उठा दो तो वो रोने लग जाता है। अब मेरा मन नहीं मान रहा था कि ये बिना खाना खाए सोएगा, तो मैंने इसको थोड़ा सा खिला दिया है अभी। उसके बाद इसने बाइक पे चक्कर लिया है, बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे सरप्राइज दिया। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो लोग मेरे घर आ रहे हैं, वरना में कुछ थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि हम मेहमान नवाजी जो होती है वो होती, मैं कुछ बनाकर रखती। वैसे तो वो चंडीगढ़ से आगे रहती हैं, फगवाड़ा में है उनका घर, लेकिन उनकी जो मम्मी है वो देहरादून में रहते हैं, मेन देहरादून में, और जो मेरा घर है वो देहरादून से आगे है, 40-50 किलोमीटर दूर है। और वो लोग आए और उन्हें सीधा घर मेरा मिल गया, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, उन्होंने वीडियोस में देखा हुआ है, तो उन्होंने बस घर के पास आकर ही पूछा था कि यही घर है ना, कि हाँ यही घर है, तो उन्हें अच्छे से मेरा घर मिल गया, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई और सब कुछ बहुत अच्छे से गया, ये दिन बहुत अच्छे से गया। और मेरे कपड़े सारे बरामदे में ऐसे ही पड़े हुए थे क्योंकि आज मैंने मशीन लगाई थी। रोज क्या होता है कि मैं बाहर कपड़े डाल देती हूँ, उन्हें सुखा के तय करके रखती रहती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं रखे थे क्योंकि हम गए थे बाला भाभी के साथ मंदिर में प्रसाद बिठवाने के लिए, फिर वहां से आए, उसके बाद हम सामने अपनी आंटी के घर चले गए, फिर उनसे थोड़ी गपशप करी, घर आई, उसके बाद मैं वीडियो की एडिटिंग में लग गई। तो मुझे मैं कपड़े वगैरह सब पड़े थे, इतना अजीब लगा मैंने कहा यार, मतलब बहुत ज्यादा अजीब लगा क्योंकि मैंने कपड़े धूप में डाले ही नहीं, अंदर तार पे थे, मैंने कहा ये धीरे धीरे यहीं सूख जाएंगे, इन्हें क्या धूप की जरूरत तो है नहीं, सूख जाएंगे शाम तक। तो थोड़ा सा ये चीज हुई। तो चलिए अब करते हैं इस वीडियो को एंड, अब मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा मेरा चश्मा लगाया जा रहा था, मेरा चश्मा लगाया जा रहा था, नजर कमजोर हो जाएगी, इश्क को पता नहीं क्या हो रहा है। बाय बाय, गुड नाइट।